सालू जी आपके पास आना चाहूंगा और ये रिएक्शन लेना चाहूंगा कि पंजाब में दिल्ली मॉडल काम कर गया, बाकी चार राज्यों में मोदी मॉडल काम कर गया। सालू जी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बाकी राज्यों में मोदी मॉडल काम कर गया। वहां की जनता की अपनी जो वो देख रहे हैं या जो वो विकास उनके यहाँ पर हो रहे हैं उस पर वोट किया। जनता सर्वोपरि है, वो जो डिसीजन लेगी वो उस जनता की तरफ से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मोदी मॉडल चल गया या केजरीवाल मॉडल चल गया। जनता ने जिस चीज को समझा और जनता ने जिस चीज को वोट किया वो मॉडल चल गया, जनता मॉडल चल गया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी मुद्दा थी, महिलाओं की, आप भी एक महिला है, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा था और ये वोट कन्वर्ट हुआ बीजेपी के तरफ से। मैं पर्सनली इस चीज को ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में वुमेन सेफ्टी पे बहुत सारे काम किए जो मुझे यूपी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से तो लॉ एंड ऑर्डर की जैसी कोई चीज यूपी में अभी तो हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानकार यूपी में रहते हैं और वो अक्सर मुझे ये बताते रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज यूपी में तो नहीं है। एटलीस्ट इवन हमारे दिल्ली के बच्चे भी जो नोएडा में हम पढ़ने के लिए भेजते हैं कॉलेजेस में या जिनके एडमिशन वहां पर होते हैं, माएं भी बहुत चिंतित रहती हैं कि किसी भी तरीके से यूपी छोड़ के किसी और स्टेट। दिल्ली में माएं चिंतित नहीं रही थी सालू जी, दिल्ली में सब माएं बेफिकर है कि नहीं? दिल्ली में देखिए बेफिकर की बात यह है कि दिल्ली में बसेस में मार्शल्स हैं, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरेज हैं, दिल्ली में जहां बीजेपी की सरकार है वहां वुमेन सेफ्टी नहीं है, जहां आपकी गवर्नमेंट है दिल्ली में सिर्फ वहीं पे वुमेन सेफ्टी है। नहीं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं पंजाब की भी अगर बात करूं या मैं और भी दूसरे राज्यों की बात करूं, जो लोगों ने, आप बजट पे देखिए ना, यूपी का क्या बजट है वुमेन सेफ्टी पर, जो बजट ये पेश करते हैं इसमें क्या बजट है वुमेन सेफ्टी को लेकर। अभी मैं कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं इनसे ही बात करना चाहूंगी, इन्होंने एक बहुत अच्छा वो बेटी हूं लड़ सकती हूं का एक कैंपेन चलाया था, उसका रिजल्ट भी इनको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो जागरूक नहीं है, जो गांव की महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं है खुद को लेकर ही। तो बहुत काम करना अभी यूपी में बाकी है और यूपी और दिल्ली की अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यूपी के मैक्सिमम लोग मेट्रो सिटीज में आकर रोजगार ढूंढते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर यूपी की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो रोजगार के लिए उन यूपी के लोगों को मेट्रो सिटीज में आने की क्या जरूरत पड़ती है, वहीं उनको रोजगार क्यों नहीं मिलता है। पंजाब में अगर आपका गवर्नमेंट आएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा पंजाब में? देखिए सब सॉल्व रातों रात तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो पूर्ण बहुमत के साथ जब आई है, पूर्ण राज्य मिला है, तो कुछ तो वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली एक एग्जांपल है, जब पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब 67 सीटें आई थी प्रॉमिस पर, कि हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम ये काम करेंगे। लेकिन जब दोबारा 62 सीटें आई तो वो परफॉर्मेंस पर आई। तो रातों रात तो कुछ नहीं होता, कुछ समय लगता है। और पंजाब सेफ्टी की बात कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का उसमें अहम भूमिका है। दिल्ली पुलिस के जो हमारे साथ नहीं बैठ पा रहा था, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, तो हमारे यहाँ से सिविल डिफेंस, अगर आपने देखा होगा दिल्ली सरकार का सिविल डिफेंस एक सेल क्रिएट किया गया जो जगह जगह तैनात रहता है, जो सिविल डिफेंस वाले करते हैं, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करता। नहीं, दिल्ली पुलिस काफी जगह करती है, मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करती, लेकिन वो सीधे तौर पे दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो सीधे तौर पे कोई भी ऑर्डर दिल्ली सरकार उनको दिल्ली नहीं सरकार दे के पास पाती नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा गैप नहीं कर रहा है। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के पास नहीं है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, या कि वो कर रहे हैं लेकिन आप क्रेडिट नहीं देना चाहती? नहीं नहीं सर, क्रेडिट बिल्कुल देना चाहते हैं। मेरे यहाँ पर भी 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा रोल रहा। सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने जो भी थे वो केसेस सॉल्व किए, मैं एग्जांपल के साथ उसको बता सकती हूँ। लेकिन दिल्ली सरकार के सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस सीधा तौर पर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे गैप्स हैं जो फिल होने चाहिए दिल्ली की जनता की सेफ्टी के लिए।